हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज, मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं यही हम जानेंगे गाइज, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइज। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं करंट एनर्जीज की तरफ। आपके मैस्कुलिन की यहाँ पर करंट थॉट्स के लिए एनर्जीज आई हैं, सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस। इन कार्ड से जो सिनेरियो पिक हो रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वो ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स होंगे जो हो सकता है अगर आप इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन रखते हो या फिर इनके बारे में कोई जानकारी आपके पास है तो ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा खुश आपको नज़र आते होंगे, अपनी लाइफ में एक्सेल करते हुए नज़र आते होंगे। जैसे कि आपको लगता होगा कि अब इन्हें आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इन्होंने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है, अपनी थर्ड पार्टी सिनेरियोस के साथ ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे, यू नो, ऐसा आइदर ये दिखाते होंगे या फिर जो भी आपके पास इनके बारे में इंफॉर्मेशन है आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर सब कुछ एंड है, इन्होंने मूव ऑन अपनी लाइफ में कर लिया होगा। तो कहने का ये मतलब है गाइस कि आपको जो भी नज़र आता है कि ये टेम्परेंस में है, बैलेंस में है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे और ये शायद आपको ऐसा दिखाते भी होंगे। बट द एक्चुअल सिनेरियो इज़ यहाँ पर आपके और इनके बीच में जो भी एक पास्ट रिलेशनशिप रहा है, अगर ये आपके एक्स भी हैं तब भी मैं आपको बता दूँ कि ये आपके और इनके बीच में जो भी एंडिंग हुई है उन सारी एंडिंग से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और ये जो भी आपको शो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर या फिर अपनी जो भी इंफॉर्मेशन ये आप तक पहुंचाते हैं वो सब कुछ हो सकता है झूठी होगी गाइस। एक्चुअल में ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में और शायद इन सारी बातों को ये आपसे सच में आकर कहना चाहते होंगे और इवन आपसे सॉरी भी कहना चाहते होंगे। जैसे कि यहाँ पर इनकी फीलिंग्स के लिए कार्ड्स हैं, द एम्प्रेस, एस ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो ये अपनी करंट लाइफ से मूव ऑन करना चाहते हैं, मतलब ये जहाँ पर भी बने हुए हैं अगर ये एक थर्ड पार्टी सिनेरियो में भी हैं तो ये वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, उस पर्सन को छोड़ देना चाहते हैं अगर कोई लिटरल पर्सन है तो। अगर पर्सन नहीं है, सिर्फ सिचुएशन है, फैमिली लाइफ है, तो ऑफकोर्स ये वहाँ से पूरी तरीके से डिटैच्ड होना चाहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर इनका एक टेम्परेंस कहीं पर बना हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी आपके टूवर्ड्स महसूस करते होंगे विद द टू ऑफ कप्स एनर्जीज, लेकिन इन्हें पता है कि आइदर आप भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए होंगे, इनके पास भी अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है या फिर आप भी अगर सोशल मीडिया पर इस तरह इन्हें शो होते हो कि आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हो। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ ना कि जो सबकॉन्शियस लेवल पर या कॉन्शियस लेवल पर जो भी एक वाइब आप दोनों एक्सचेंज करते हो एक दूसरे की तरफ, जो भी थॉट्स आप भेजते हो, तो वहाँ से एटलीस्ट आप दोनों ही को आइडिया है कि चलो जो भी था, जैसा भी था, वो जो कनेक्शन था वो एंड हो गया है और उस पर्सन ने भी मूव ऑन कर लिया, मुझे भी मूव ऑन हो जाना चाहिए। ऐसा अगर आप भी सोचते हो तो इस पर्सन की भी एग्जैक्ट थॉट्स वैसी ही हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये अपनी करंट लाइफ में खुश नहीं है और जो भी ये आपको शो करते हैं वो बिल्कुल भी आइदर फेक होगा या फिर ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, अपनी एक सोशल स्टेटस को मेंटेन्ड रखने के लिए आइदर ऐसे पोस्ट्स रखते होंगे अपने सोशल मीडिया पर या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में उस पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए शायद ये ऐसा दिखावा करते होंगे गाइस। तो आप दोनों का अगर ये पास्ट रिलेशनशिप है तो ज़रूर आपके पर्सन उस एंडिंग के बारे में सोचते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में एक एंडिंग हुई थी तो ये उस एंडिंग से खुश नहीं है और ये शायद आपके पास कमबैक करना चाहते हैं। लेकिन बहुत दूर से ये अगर आपको ऑब्जर्व भी करते हैं तो आप इन्हें द एम्प्रेस वाली एनर्जीज में नज़र आते होंगे। आइदर हो सकता है आपने इनसे कम्प्लीटली मूव ऑन किया होगा या फिर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे होंगे अपने करियर फ्रंट पर, तो ये देख रहे हैं इन सारी बातों को, ये जानते हैं। बट क्योंकि अभी इनको आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत एक एनर्जी एक्सचेंज को लेकर हो सकती है या फिर ये आपसे एटलीस्ट ये बताना चाहते हैं कि मैंने पास्ट इवेंट्स में आपके साथ जिस भी तरह से बिहेवियर रखा था
उसका मुझे पछतावा है। क्या हम दोनों दोबारा से उसी तरह से कनेक्शन में आ सकते हैं, या फिर हम दोनों के बीच में जो भी एक रिलेशनशिप है क्या हम उसको दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्रपोजल आइदर ही आपके सामने रखना चाहते हैं, इनकी एग्जैक्ट थॉट्स ऐसी जा रही हैं। अगर आप दोनों ही एक दूसरे से ऑलरेडी मैरिड हो या एंगेज्ड थे गाइस, तो ज़रूर ये कमबैक करना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा हुआ होगा कि इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया था, फिर अगर इन्होंने किन्ही रीजंस की वजह से उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया था, तो शायद ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि क्या हम इस रिलेशनशिप पर दोबारा से वर्क कर सकते हैं। यू नो, अभी ये हो सकता है इन सारी बातों के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि आपकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं होगी। हो सकता है, मैं यहाँ पर जो एक वाइब सेंस कर रही हूँ गाइस, एक ऐसा सिनेरियो होगा आप दोनों के बीच में कि आप भी कुछ फेक ही वे में इनकी तरफ कुछ चीज़ें शो करते होंगे। जैसे कि आप भी अगर इनकी तरफ कुछ इन्फॉर्मेशन भिजवाते हो, या फिर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट करते हो जहाँ पर ये साबित हो रहा हो कि आप भी अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो, आप भी अपनी ज़िंदगी में खुश हो, इनकी ज़रूरत अब आपको नहीं है, ऐसा अगर आप भी शो करते आए हो, तो इस पर्सन को एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या आपने मूव ऑन किया है या फिर आप आज भी इनके लिए इंतज़ार कर रहे हो। यू नो, काफ़ी एक लंबा सेपरेशन रहा होगा आप दोनों के बीच में, क्योंकि मैं एंडिंग्स देख रही हूँ यहाँ पर। ऑलरेडी ये जो कनेक्शन है आप दोनों का एंड हो चुका था, अब ये अगर आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं या स्पाई बनाकर रख रहे हैं, तो वो इनको क्लियर और सच्ची इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। जो भी ये देख पा रहे हैं या फिर जो भी जान पा रहे हैं, आइदर वो झूठी इन्फॉर्मेशन होगी या फिर आपने जान बूझ कर ऐसी इन्फॉर्मेशन इन तक भिजवाई होगी, ताकि ये भी समझ पाएं कि आप भी इन पर डिपेंड नहीं करते थे, आप भी अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहे हो। यू नो, तो एक ऐसा सिनेरियो यहाँ पर है, तो आज का ये जो शिफ्ट है वो आपके साथ ब्यूटीफुली रेजोनेट कर सकता है गाइस, क्योंकि आपके पर्सन चाह रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं और एक अप्रोच आपकी तरफ क्योंकि ये रखना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ काफ़ी सारे वेज में डिस्टर्ब्ड है और ये उस एंडिंग से बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, जो भी आप दोनों के बीच में एक एंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड सिक्स ऑफ सोर्स एनर्जीज, ये आपकी तरफ हो सकता है एक सरप्राइजिंग वे में कम बैक कर सकते हैं गाइस, क्योंकि इनकी थिंकिंग इसी वेज में जा रही है कि ये आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एटलीस्ट उन प्रीवियस बातों के बारे में कुछ ये शायद क्लियर करना चाहते हैं, या फिर अपनी लाइफ के बारे में ये कुछ आपसे सच्चाई कहना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर आपके तरफ वो एक जस्टिस इन्होंने नहीं दिया था वो जस्टिस इवन आपको दे सकते हैं। तो जो भी वजह है यहाँ पर आप दोनों की जो बिछड़ने की वजह रही है, तो उस वजह की जो भी एक सच्चाई है ये आपसे शायद आकर बताना चाहते हैं, कि इवन इस बात के बारे में भी ये सच्चाई आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने इनके बारे में कलेक्ट की है वो सच नहीं है, ये एक्चुअल में अपनी लाइफ में अनहैप्पी या अनफुलफिल्ड वाली एनर्जीज में ये बने हुए हैं। तो ज़रूर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन के चलते एक जो पुल है आपकी तरफ इन्हें शायद खींच रहा होगा, क्योंकि जब भी ये अपने पास्ट की बातों को सोचते हैं, आपके और इनके बीच में हो सकता है बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स हो गुजरे होंगे, कुछ मेमोरीज होंगी आप दोनों ने जो भी बनाई हैं एक दूसरे के साथ, उन मेमोरीज के बारे में जब भी सोचते हैं तो ये शायद पछताते होंगे कि मुझसे एक मिस्टेक हो गई और इस मिस्टेक को अगर मैं सुधार पाऊँ तो मैं ज़रूर सुधारना चाहूँगा या सुधारना चाहूँगी, क्योंकि एक जो टेम्परेंस की कमी है इनकी भी लाइफ में, आपकी भी लाइफ में, ये उस टेम्परेंस को कम बैक करवाना चाहते हैं, वापस लेकर आना चाहते हैं उस टेम्परेंस को, उस बैलेंस को, ताकि जो भी आपकी करंट लाइफ है जो मेस्ड अप हो गई है, उस मेस्ड अप से ज़िंदगी को दोबारा से एक नई होप या एक नई उम्मीद ये दे सके। यू नो, तो हाउ दिस सिचुएशन इज लीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके पर्सन का एक नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आप लोगों की तरफ, यानी कि ये कोलैबोरेशन में आना चाहते हैं। एटलीस्ट यहाँ पर एक कनेक्शन या एक सीरियस रिलेशनशिप की शुरुआत नहीं भी हो रही है, तो ये जो पर्सन है एटलीस्ट आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक समझ लो कैजुअल वेज में आपसे बात करना चाहते हैं और अपनी लाइफ के बारे में शायद बताना चाहते हैं, और मोर ओवर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उन सारी बातों को जानना चाहते हैं, तब हो सकता है ये इस सिचुएशन को एक सीरियस मोड दे सकें,
क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी शायद नॉलेज नहीं होगी गाइस कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। आप जो भी इन्हें शो कर रहे हो ये उन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं है। इन्हें लगता होगा कि मेरी तरह मेरी फेमिनिन भी हो सकता है एक झूठा स्टेटस शो कर रही होंगी। अगर आप इवन ये भी दिखा रहे हो सोशल मीडिया पर कि आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हो या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर जो भी आप दिखा रहे हो, आपके पर्सन को 100% पता होगा कि आप मूव ऑन नहीं हुए हो या फिर कुछ सच्चाई और ही होगी, इसीलिए मुझे जाकर फाइंड आउट करना होगा। और जब एक बार इन्हें पता चल जाए कि आपने अभी तक मूव ऑन नहीं किया, आप अभी भी इनके लिए इंतज़ार कर रहे हो, तो हो सकता है तब ये अपना रियल मकसद आपसे आकर बता सकें कि ये क्यों आए हैं आपकी लाइफ में, कम बैक इन्होंने क्यों किया है। 100% यहाँ पर एनर्जीज ऐसी ही शो हो रही हैं कि ये आपके एक्स होंगे गाइस और अब ये आपके तरफ लौटना चाहते हैं टू नो मोर अबाउट यू। पिछली कोई भी बात आपसे शायद करना नहीं चाहते, लाइक आप दोनों के बीच में जिस भी वजह से ब्रेकअप हुआ था, ये उन सारी बातों को छेड़ना नहीं चाहते। बट हाँ, आपकी लाइफ में अभी करंटली क्या चल रहा है, शायद ये सारी बातें जानने के लिए ये आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं। उसके बाद ही हो सकता है ये अपना रियल मकसद आपकी तरफ जाहिर कर सकें कि एग्जैक्टली क्या चाहते हैं आपके साथ। अगर इन्हें वापस से इस कनेक्शन पर कंटिन्यूएशन रखनी है तो ये अपनी उस बात को शायद आपके सामने बाद में जाहिर करेंगे, लेकिन इनिशियली ये एक कैजुअल सा आपकी तरफ अप्रोच भी रखेंगे। कन्वर्सेशन भी वहाँ पर हो रही है तो बहुत ही कैजुअल लेवल्स पर होगी, या इधर आपके तरफ एक हालचाल लेने के लिए आ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। और इवन ये बहुत लोगों के लिए सीधे सीधे कम्युनिकेशन भी हो सकता है या फिर रीच आउट भी हो सकता है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ एक नेक्स्ट एक्शन ज़रूर लेने वाले हैं इन एनर्जीज के चलते, एटलीस्ट क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो। इनके अंदर वो जो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन महसूस हो रहा है गाइस, ये इन्हें उसी वेज में पुश कर रहा है कि ये आपकी तरफ कोई एक्शन लें, कुछ आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन रखें, अप्रोच रखें, ताकि अगर ये कन्फ्यूज भी हैं कि आगे इन्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, तो ये शुरुआत एक हल्की सी कम्युनिकेशन के साथ रख सकते हैं गाइस, ताकि धीरे धीरे वाइल कम्युनिकेटिंग विद यू ये समझ पाएंगे कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए। और ये जो भी फील अपने अंदर जो भी एक लव वाली फीलिंग फील कर रहे हैं, उस फीलिंग को ये कैसे आपके सामने इजहार कर सकें, ये शायद आगे ये सोचेंगे। लेकिन इनकी एनर्जीज एक किंग ऑफ सोर्ट्स की हैं, तो हो सकता है बहुत स्ट्रेट वेज में आपसे बात करेंगे या फिर बहुत ही कैजुअल लेवल्स पर ये आपके साथ शुरुआत रखेंगे गाइस। तो यहाँ पर जो और एनर्जीज हैं, द टावर एंड द सन, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस पर्सन का कमबैक आपकी लाइफ में पहले तो आपको बहुत ही एक समझ लो सडन वेज में सरप्राइज कर सकता है। सरप्राइजिंग वाली एनर्जीज एक सडन वेज में ही होती हैं कि आपने जब लीस्ट वेज में इस पर्सन को एक्सपेक्ट करके रखा है, तभी इस पर्सन की आपकी लाइफ में एक री एंट्री होगी। और हो सकता है इस बात से आप खुश भी हो जाएं कि इवेंचुअली इस पर्सन ने आपकी लाइफ में कमबैक किया है या फिर इन्होंने एटलीस्ट कम्युनिकेट तो किया है। बट क्योंकि यहाँ पर द टावर वाली एनर्जीज हैं, तो इस चीज़ से शायद आप डिस्टर्ब भी हो सकते हो, क्योंकि अगर आपने सच में मूव ऑन कर लिया है गाइस, तो ये आप लोगों के लिए एक डिस्टर्बिंग एम्बियंस क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अगर आपने इस पर्सन को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया और इस पर्सन का आपकी लाइफ में कमबैक करना, हो सकता है आपकी करंट लाइफ वहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती है। तो इवेंचुअली जो भी एक फैसला है वो आप ही को करना होगा, क्योंकि अगर इस पर्सन ने आपको ज़िंदगी के ऐसे मोड पर छोड़ दिया था जहाँ पर इस पर्सन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और अब आपने बड़ी मुश्किलों से अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया है, मूव ऑन हो चुके हो, तो ऐसे समय इस पर्सन का आपकी लाइफ में कमबैक करना आपको ज़रूर डिस्टर्ब कर ही सकता है। तो फैसला जो भी होगा ये आप ही लोगों के हाथ में होगा गाइस। बट विद द सन एनर्जीज हो सकता है इस पर्सन का आपके साथ वापस से आकर कम्युनिकेट करना, या फिर इवन एक कैजुअल लेवल्स पर भी आप दोनों की बातचीत हो रही है, ये चीज आपको हैप्पीली सरप्राइज कर सकती है गाइस। ऑलराइट, तो यहाँ पर यूनिवर्स इनके नेक्स्ट एक्शन के बारे में आपको क्या साइन देना चाहता है, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड में देख सकते हो, ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। तो अब दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी या फिर कन्फ्लिक्ट्स हुए थे, आर्ग्यूमेंट्स हुए थे,
एंडिंग्स जो भी हुई थी, तो उन सारी चीज़ों को आप इवेंचुअली हील कर पाओगे, जो कि आप लोगों के लिए अगर हीलिंग बहुत मुश्किल थी, इस सिचुएशन से उभर पाना आप लोगों के लिए मुश्किल था, तो आपके और आपके पर्सन के लिए वो हीलिंग ज़रूर पॉसिबल है। अगर एक बार ये जो पर्सन है आपसे आकर कम्युनिकेट करते हैं, तो वो जितने भी ग्रजेस आपने बनाकर रखे थे वो इवेंचुअली आप रिलीज कर पाओगे। और इवन आज हमने जो फेमिनिन्स की एनर्जीज में डिस्कस किया ही था कि आप फाइनली किसी पैटर्न को छोड़कर आगे बढ़ पाओगे गाइस, तो हो सकता है इस पर्सन के कमबैक की वजह से वो जो स्ट्रेंथ है वो आपको वापस से मिल जाएगी, जो अब तक भी अगर आप स्टक थे इस कनेक्शन पर या फिर इस पर्सन पर, तो वो जो एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी थी या फिर ग्रज वाली एनर्जी थी, उसको आप रिलीज कर सकोगे, यू नो, वापस से हील हो पाओगे। और एक फ्रेंडशिप जब आप दोनों के बीच में बन जाएगी, तो कई सारी जो भी नेगेटिव एनर्जीज या एक कार्मिक बैलेंस भी है वो शायद हील हो सकता है यहाँ पर, वो शायद हील हो सकता है यहाँ पर। गेटिंग माई पॉइंट? तो आज का फेमिनिन्स का जो शिफ्ट था गाइस, और आज जो हमने जितनी भी ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स की एनर्जीज ग्रैब की थी मॉर्निंग वाली एनर्जी शिफ्ट में, तो उनके साथ ये ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स बहुत ही ब्यूटिफुली मैच कर रहे हैं गाइस। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग कि अगर कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स काफ़ी टाइम से वो हीलिंग हासिल नहीं कर पा रही थी, तो अब आप उस एक्शन से, अपने पर्सन की तरफ से जो भी एक्शन आने वाला है, उस एक्शन की वजह से आप इवेंचुअली किन्हीं ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज कर पाओगे। यहाँ पर ब्रेक द चेन वाली एनर्जीज आपसे यही कह रही हैं, यूनिवर्स आपसे यही कहने वाला है कि अगर स्टक थे आप उन सारी नेगेटिव एनर्जीज में या टॉक्सिक एनर्जीज में, तो आप इवेंचुअली उन सारे पैटर्न्स को एंड करके अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को दोबारा से लिख पाओगे। अब वो ग्रज भी नहीं रहेगा और वो एक पेन भी नहीं रहेगा। जो भी इम्बैलेंस सिचुएशंस रही हैं, एक जस्टिस के लिए आप लड़ते रहे या फिर इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा पेन महसूस करते थे, वो सारे पेन्स वगैरह सब कुछ रिलीज हो जाएंगे। आप दोबारा से अपनी लाइफ पर कम बैक कर सकोगे, अपने फ्यूचर को रीराइट कर सकते हो, आइदर विद दिस पर्सन या फिर जो भी आप अपनी लाइफ में करते जा रहे हो, वहाँ पर एक हीलिंग के साथ कम बैक कर सकोगे गाइस। ऑलराइट, तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।